ठीक भी हो गया। और हाँ अब इसमें लियो लगन का चार्ट हमने देखा, तो जैसे फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस का खुद ही लियो यानी कि खुद ही इसमें सूर्य अपने में ही लगन का मालिक है। जैसे बताया था कि लगन अगर सबसे स्ट्रोंग रहेगा तो आप लाइफ में जितने मर्जी आपके कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, हर इंसान उस हिसाब से अच्छे से सरवाइव कर लेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल से ऐसा इंसान हिम्मत नहीं हारता कभी भी लाइफ के अंदर। सेकेंड हाउस का लॉर्ड क्या है इसके अंदर, यानी कि मारक भाव का स्वामी मरकरी बुध है और 11th हाउस का स्वामी भी बुध है, तो यानी कि एक मारक हो गया और एक त्रिशडाय का स्वामी हो गया, तो बुध भी इसके अंदर ठीक फल देगा, सम फल देगा। इसमें बुध से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती सिंह लगन के लिए। दूसरा अगर इसके अंदर हम देखें, शुक्र 3rd हाउस का भी स्वामी है, शुक्र इसमें 10th हाउस का भी स्वामी है, यानी कि करियर के लिए अगर इसको स्ट्रगल करना है तो इजीली कर जाएगा, लेकिन फिर भी जो एक शुक्र ने 10th हाउस का स्वामी होने पर एक अच्छे रिजल्ट देने थे वो सम रिजल्ट देगा, ठीक ठीक रिजल्ट देगा। सबसे अच्छे रिजल्ट देगा इसके अंदर मंगल, 4th हाउस का भी लॉर्ड है, 9th हाउस का भी लॉर्ड है, फिर से वही त्रिकोण और राजयोग का फिर से ट्रायंगल और ये बन गया, तो यानी कि योग कारक मंगल कर्क लगन के लिए भी और सिंह लगन के लिए भी, दोनों के लिए मंगल बहुत स्ट्रोंग है। एक तो खुद ही इनका लगन सिंह राशि का हो गया, दूसरा मंगल भी आ गया, तो मंगल और सूर्य दोनों मिलकर सिंह लगन वालों को बहुत ही स्ट्रोंग बना देते हैं। अब गुरु कैसा फल देगा, गुरु इसके अंदर 5th हाउस का लॉर्ड है, मूल त्रिकोण की राशि इसमें 5th हाउस में है और 8th हाउस के अंदर इसके अंदर फिर से जुपिटर की दूसरी साइन आ गई, यानी कि अब त्रिकोण का एक स्वामी त्रिकोण में और दूसरा स्वामी सबसे बैड हाउस में 8th हाउस में, यानी कि एक अच्छा फल बुरा फल मीडियम फल मिलेगा इनको। सिर्फ सैटर्न का फिर से वही 6th हाउस की लॉर्डशिप और फिर से वही मारक भाव की लॉर्डशिप, यानी कि शनि की दशा में फिर से अच्छा फल नहीं मिलने वाला। चंद्रमा 12वें घर का स्वामी, खर्चा बढ़ा देगा, बेवजह के ट्रेवल्स बढ़ा देगा, बिना बात की टेंशन दे देगा, मानसिक तौर पे परेशान कर देगा, यानी कि चंद्रमा भी इसमें पूरी तरह से रिजल्ट को देने में मना कर देगा। कोई ग्रह कहां भी प्लेस्ड हो लेकिन लगन के हिसाब से ये ग्रह फल देंगे। वर्गों के अंदर फिर वही आगे आपकी ड्यूल साइन, जैसे बताया था कि ड्यूल साइन के अंदर जब भी त्रिकोण में चारों साइन जुपिटर और बुध के आ जाते हैं तो यानी कि केंद्राधिपति दोष लग जाता है, जितना मर्जी लगन अच्छा हो लेकिन फिर भी बुध और गुरु का प्रॉब्लम अच्छे से जो मिलना होता है फल वो नहीं मिल पाता। अब बुध इसके अंदर एक लगन का स्वामी है, करियर का स्वामी है, केंद्राधिपति दोष की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज करियर और उसके लिए मेंटली टेंशन मेंटल जो इसकी मेमोरी है बिजनेस माइंडेड है वो सब बेस्ट रहेगा। सेकंड है वीनस, फिर से मारक भाव और एक दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग आपका त्रिकोण का स्वामी है, तो सम फल देगा क्योंकि सेकंड और 12th का जब भी त्रिकोण के साथ संबंध बनता है तो वो सम फल देता है, अच्छे फल देगा यानी कि आपको। अब इसमें फिर से मंगल 3rd हाउस और 8th हाउस, जब भी मंगल की दशा आएगी कोई ना कोई मिसहैपनिंग, खर्चा, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा या हल्की सी चोट लग जाना, टांके लगना, हल्का सा ब्लड आना किसी ने किसी से, चाहे आप गिर गए हिट लग गई, तो ये सब मिलेगा ही मिलेगा। वेपन से कहीं ना कहीं चोट लग जाना बिना बात पे। जुपिटर है इसके अंदर 4th हाउस यानी कि केंद्र का स्वामी, 7th हाउस का यानी कि मारक का स्वामी, ठीक फल देगा, ज्यादा अच्छे फल नहीं देगा। शनि 5th लॉर्ड है, एक तो त्रिकोण का स्वामी, दूसरा कुंभ राशि 6th हाउस में, तो अपने इसमें ट्रायंगल सॉरी त्रिकोण के तो अच्छे फल देगा लेकिन 6th हाउस के फिर से यानी कि सम फल मिलेंगे, इतना अच्छा शनि नहीं माना जाएगा। चंद्रमा इसके अंदर 11th हाउस का है, कुछ खास अच्छे फल नहीं देगा, इनकम आएगी जाएगी आएगी जाएगी। 12th हाउस का स्वामी है, सूर्य अकेला है, एक ही राशि का स्वामी है, तो सम माना जाएगा यानी कि ठीक फल दे देगा, खर्चों से बचा देगा यहाँ पर सूर्य, बस इतना काम करेगा। 7th आपकी लिब्रा साइन, लिब्रा साइन के अंदर लगन बताया था, जैसे मंगल 1st और 8th का स्वामी था एरीज साइन में, ऐसे ही इसके अंदर शुक्र 1st और 8th का स्वामी है, वही चीज रहेगी। मंगल अब ये था कि मंगल थोड़ा सा अशुभ ग्रह है लेकिन शुक्र थोड़ा सा शुभ ग्रह है, तो ऐसे में क्या होगा, बीमारी आएगी तो जल्दी ही परेशान हो जाएगा, फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल था फाइट कर लेगा, एरिस वाले फाइट कर लेते हैं,
क्योंकि अग्नि तत्व की भी राशि है ना, और लेकिन ये अग्नि तत्व की राशि भी नहीं है, और तो ये मतलब ठीक है, देखने में ऐसी रहेगी बॉडी कमजोर सी, और कई बार होता है ना अंदर से स्ट्रांग होते हैं, तो इनकी तुला लगन की कई बार बॉडी जो है देखने में जैसी भी रही लेकिन अंदर से फिर भी ये स्ट्रांग ही रहेंगे, या कई बार ऐसा भी होता है देखने में बहुत अच्छे रहेंगे दूसरे प्लैनेट के अगर सपोर्ट मिले, तो अंदर से मैं बीमार हूँ, मुझे अभी ये हो गया, मुझे आज वो हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम इनके साथ चलती रहती है, देखने में जरूर ठीक लगेंगे। सेकेंड हाउस मारक मंगल, सेवेंथ हाउस मारक फिर से मंगल, तो मंगल की दशा जब भी आएगी मारक का काम करेगी करेगी। थर्ड हाउस जुपिटर, सिक्स हाउस भी जुपिटर, दोनों बैड हाउसेज हैं, जुपिटर इज अ नॉट गुड फॉर लिब्रा लगन। शनि सबसे अच्छा है क्योंकि शनि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, यानी कि योग कारक शनि सबसे अच्छे फल देगा। बुध जो है वो नाइन्थ का भी है और ट्वेल्थ का भी है, तो अच्छे फल देगा क्योंकि ट्वेल्थ सम है और बुध आपका सबसे बढ़िया आपका फॉर्चून लक का स्वामी, तो बुध इसकी कुंडली में अच्छे फल देगा। टेंथ लॉर्ड है चंद्रमा, अच्छे फल देगा लेकिन करियर में स्टेबिलिटी में थोड़ा सा मना कर देगा, क्योंकि चंद्रमा क्या क्या है, मूवमेंट है, चंद्रमा है जल, काम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, हो सकता है मन भी ना लगे, या फिर मूवमेंट का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, तब तो इंसान थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। इलेवेंथ हाउस सूर्य है, इनकम को लेकर कहीं ना कहीं दिखावा रहेगा ऐसे इंसान के मन में, यानी कि डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि सन भी अच्छे फल आपको लिब्रा असेंडेंट में नहीं देगा। नेक्स्ट है आपका स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंदर मंगल फर्स्ट हाउस, सिक्स हाउस यानी कि बीमार होना, खड़े होना, बीमार होना, खड़े होना, लड़ना सबसे, बस स्कॉर्पियो में पहचान नहीं पाओगे ऐसे इंसान को, कब लड़ना शुरू कर देगा, कब आपके साथ ये बैटर हो जाएगा, कि जल तत्व की राशि भी है, सिक्स हाउस को भी लेकर आई है, यानी कि अग्नि और जल का मिलन है, तो आपको पता ही नहीं है नेचर कब शांत हो रहे हैं, कब आपके साथ ब्लास्ट कर देंगे। मंगल इतना बढ़िया है इसमें लगन का स्वामी होने के बावजूद भी, ठीक है अगर ये आर्मी में है, सैनिक में है, डॉक्टर में है, कोई ऐसा काम है जो कि बहुत ही आगे बढ़ने का है, तो ठीक है इनके लिए, नहीं तो फिर ये परेशान ही करते रहेंगे, इरिटेशन इनको रहती रहती है। सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है मारक भाव का स्वामी और फिफ्थ हाउस का स्वामी, तो अच्छा माना जाएगा गुरु, क्योंकि सम के साथ अगर त्रिकोण का संबंध बनेगा तो गुड है। शनि इसके अंदर फोर्थ हाउस सम माना जाएगा, थर्ड हाउस है तो ये ठीक है, शनि भी इतना अच्छा नहीं है। शुक्र का संबंध मारक होने के बावजूद 12वें के साथ बन गया, तो शुक्र भी इसमें अच्छा नहीं है। एट्थ हाउस में गुरु है, एट्थ हाउस में सॉरी बुध है स्वामी, और इलेवेंथ का भी बुध है, तो भी इतना अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है इसके अंदर शुभ राजयोग कारक सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि एक राशि सिंगल अपने में इनकी काफी होती है, अपने में ही है, तो भाग्य इनका बहुत अच्छा रहता है स्कॉर्पियो वालों का, और करियर भी इनका अच्छे से सेट हो जाता है। तो दो ही ग्रह इनके अच्छे हैं, सूर्य और इनके लिए चंद्रमा, ये दोनों ग्रह इनके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब आ गया सेजिटेरियस, सजिटेरियस के लिए सबसे पहले वही आपका ड्यूल साइन आ गई, यानी केंद्र अधिपति का दोष लगता है इसके अंदर, इसमें फर्स्ट हाउस जुपिटर, फोर्थ हाउस जुपिटर अच्छे फल देगा, गुरु इनके लिए अच्छा माना जाएगा। सेकंड हाउस मारक और थर्ड हाउस शनि कुछ खास अच्छा नहीं है। मंगल जो है फिफ्थ का भी स्वामी है, ट्वेल्थ का भी स्वामी है, मंगल इनके लिए फिर भी ठीक अच्छा माना जाएगा। शुक्र के लिए सिक्स लॉर्ड भी है, इलेवेंथ है, लड़ाई झगड़े में अच्छा है, किसी से वाद विवाद करना उसके लिए शुक्र इनके लिए अच्छा है, अदरवाइज इनको, अदरवाइज अगर इनको कुछ बेटर देना हो तो वो बिजनेस इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। करियर के लिए बुध है, सेवेंथ हाउस का भी है और टेंथ का भी है, बुध फिर भी ठीक ठीक फल देगा इनको। चंद्रमा मेंटली टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हमेशा धनु लगन वालों को बनी रहेगी, दिखाएंगे जरूर क्योंकि लगन फायरी है, बहुत बेटर लड़ेंगे, सबको अच्छी शिक्षा सब कुछ देंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, टेंशन। सूर्य इनके लिए सबसे अच्छा है क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड का स्वामी है, बहुत अच्छा सूर्य है। और अब है कैप्रिकॉन, शनि का लगन, कैप्रिकॉन के अंदर सेकंड और फर्स्ट हाउस दोनों में सैटर्न है, तो शनि इनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सेकंड हाउस जैसे सम है, मार्केश का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन लगन की वजह से फाइटर बहुत, शनि इनके लिए बढ़िया है।
जुपिटर जो है थर्ड लॉर्ड भी है, ट्वेल्थ भी है, ठीक है, कुछ खास अच्छा नहीं है। मंगल फर्स्ट भी है, इलेवेंथ भी है, ये फिर भी ठीक काम करेगा कुछ, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स वाली बात नहीं रहेगी। शुक्र इनके लिए सबसे अच्छे है, योग कारक है, त्रिकोण का भी स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी, सबसे अच्छा इनके लिए मकर लगन वालों के लिए शुक्र है, तभी इसलिए ब्यूटी लड़कियों या दूसरी जो हैंडसम कुछ चीजों पे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कैप्रिकॉन वाले, इनके लिए अच्छा काम भी करती है। बुध है इनमें, सिक्स लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस की वजह से अच्छा रिजल्ट दे देगा बुध। सेवेंथ लॉर्ड मार्केश चंद्रमा, अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य आंखों में, एट्थ हाउस है प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ सिर में दर्द प्रॉब्लम, बाल उड़ जाना, ये सब सेट। सन भी अच्छा नहीं है, बुध का हो गया, शुक्र का हो गया, मंगल का हो गया, गुरु का हो गया। अब है एक्वेरियस, यानी कि फिर से शनि का लग्न है। इसके अंदर कुंभ लगन के अंदर फर्स्ट साइन खुद लगन शनि, ट्वेल्थ हाउस, तो शनि इनके लिए भी अच्छा काम करेगा। सेकंड हाउस का स्वामी गुरु और इलेवेंथ हाउस का स्वामी, यानी कि दोनों धन हाउस से, धन के लिए सिर्फ इनके लिए गुरु अच्छे रिजल्ट देता है एक्वेरियस के लिए, अदरवाइज दूसरे रिजल्ट इनको चाहिए गुरु की दशा में, वो इनको नहीं मिलते, सिर्फ पैसे का काम जरूर करेगा क्योंकि दोनों धन हाउसेस की लॉर्डशिप है। थर्ड हाउस मंगल है और फोर्थ टेंथ भी मंगल है, ये भी इनके लिए मंगल भी अच्छा है क्योंकि सबसे अच्छे केंद्र का स्वामी लिया। उसके बाद सबसे अच्छा दूसरा ग्रह इनके लिए शुक्र है क्योंकि ये एक केंद्र का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी, यानी कि शुक्र कुंभ लगन के लिए योग कारक का काम करेगा। बुध है, बुध फिफ्थ है और एट्थ है, तो अच्छा काम नहीं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा बुध। सिक्स्थ हाउस, इनको भी मेंटली टेंशन किसने किस तरह से बनी रहेगी, बहुत टची होते हैं अंदर से, बाहर से चाहे जैसे भी दिखा लें, समाज सेवा में आगे रहते हैं। सेवेंथ सूर्य कुछ खास अच्छे फल नहीं देगा, और एट्थ बस हो गए सारे इसके अंदर भी। कोई किसी का क्वेश्चन है तो बता देना साथ साथ चार्ट इसमें ग्रह के हिसाब से। मीन लगन में फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप गुरु की है और फोर्थ हाउस भी, चाहे केंद्राधिपति दोष जरूर लग जाएगा यहाँ पे शुभ ग्रह होने के बावजूद, लेकिन अच्छे रिजल्ट गुरु यहाँ पर इनको करियर के हिसाब से देगा। सेकंड हाउस के अंदर मंगल है और नाइन्थ हाउस में मंगल है, तो सम और त्रिकोण का स्वामी, मंगल हमेशा अच्छे फल देगा, भाग्य कारक है, बढ़िया रिजल्ट देगा। शुक्र जो है थर्ड लॉर्ड भी है और एट्थ लॉर्ड भी है, तो यानी कि अच्छे फल शुक्र अपनी दशांतर दशा में इतने अच्छे फल नहीं देगा। फोर्थ हाउस के लिए थर्ड इसमें जेमिनी साइन और सेवेंथ में भी, तो ठीक ठीक फल देगा, सम फल देगा बुध। कर्क राशि पंचम हाउस में बहुत अच्छे फल देगा चंद्रमा की, जब भी आएगी दशा तो सबसे अच्छा इनमें चंद्रमा है। सूर्य है, अच्छे फल नहीं देगा। शनि है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ का स्वामी है, तो ये भी इनकी मीन लगन वालों के लिए, अगर ये सोशल वर्कर या मार्केटिंग या फिर अपना पॉलिटिक्स में, तब तो इनको सैटर्न अच्छे फल देगा, अदरवाइज इनको सैटर्न अच्छे फल नहीं देगा। अब 12 लगन में किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये पूछ रही थी, ये जो फल देंगे अपनी महादशा अंतरदशा में जी ही जी होगा हर ना एक ये? ग्रह हमेशा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ही फल देते हैं। क्वेश्चन ये है कि महादशा तो राहु की भी होती है। हाँ, महादशा तो राहु की भी होती है, तो राहु जहां बैठेगा, अब उसकी कोई लॉर्डशिप तो है नहीं, अब पराशर ज्योतिष के हिसाब से तो उसकी कोई लॉर्डशिप नहीं है, तो इतना अफेक्ट तो जो है वो अपने हाउस का ही फल देगा, और राहु जहां पर बैठ जाएगा उसकी राशि के हिसाब से फल देगा। सुपोज हमने यहाँ पे लगन में मीन राशि है और टेंथ हाउस में भी आपकी ये सेजिटेरियस है, यानी कि दोनों बुध की राशि है, तो अगर राहु यहाँ पर फोर्थ हाउस में आ गए तो यानी कि सेजिटेरियस साइन एक्टिव हो गया। तो जुपिटर जिस तरह के फल देने होंगे, सजिटेरियस आपका वैसे फल देगा फिर।